कृषि बिल को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जैविक की खेती करने वाले उन्नतशील किसान कृषि बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। जैविक खेती करने वाले भरत भूषण त्यागी पद्म श्री अवार्ड से भी 2019 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए गए थे और उन्होंने जैविक खेती पर पीएचडी भी की है। बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के गांव बद्दा हमीदपुर में रहकर जैविक की खेती करते हैं। भरत भूषण त्यागी को मोदी सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से 2019 में नवाजा था। आपको बता दें, भरत भूषण त्यागी अपने फार्म पर जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती में धनिया, हल्दी, गेहूं, गन्ना, संपूर्ण घास, हींग, कृष्णा फल, स्टीविया, सहजन, कालमेघ, सतावर, नींबू, चार तरह की तुलसी जैसी कई अन्य फसल एक सीजन में उगाते हैं। वहीं अपने यहां पर आम फसल से हटकर जड़ी बूटी और तरह तरह की खेती उगाते हैं, जिनकी दवाइयां बनती हैं और जिनसे सामान्य से अधिक मुनाफा भी होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहीं भारत भूषण ने बताया कि मोदी सरकार जो की कृषि बिल लेकर आई है वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं, मगर बिल में जो थोड़ी बहुत कमी है वो संशोधन हो सकती है। मगर जो किसान धरना प्रदर्शन पर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो बातचीत से भी उसका हल निकाल सकते हैं। मैं अपनी खेती से दोगुना कमाता हूं और बिचौलिया को अपने पास तक नहीं आने देता। संवाददाता अमित राणा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत भूषण त्यागी है और मैं पद्मश्री और भी हूं और डॉक्टर भी हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जो खेती करते हैं कौन कौन सी खेती करते हैं और क्या लाभ उन खेतियों से मिलता है? देखिए, इस खेती का नाम है जैविक खेती और इस जैविक खेती में पूरी पूरी बात जो है वो प्रकृति की व्यवस्था को ही समझना है। इसमें किसी भी प्रकार की लागत खेती में प्रयोग नहीं होती। छोटी मोटी ज़रूरत है, जैसे समय पर जुताई करना, पानी कम से कम देना ताकि ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे, और सही मात्रा में और सही बीजों का इस्तेमाल करना, सही दूरी को समझना, सही समय को समझना और उसी प्रकार से एक खेत में एक से ज़्यादा फसलों को लगाया जाना। इसको इस प्रकार से देखा गया कि इसमें हम नाना प्रकार की फसलों को लगाते हैं और उसमें अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी और पशुओं के लिए चारा आदि सभी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जानना चाहूँगा बाबू जी, कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं और कब मिले हैं? देखिए, इस खेती में एक खास बात रही कि इसके द्वारा जो गुणात्मक उत्पादन हुआ और हमारी आमदनी भी बढ़ी और उत्पादन भी बढ़ा, जो देश के लिए एक संकट था। तो जब उत्पादन भी बढ़ जाए और आमदनी भी बढ़ जाए तो किसानों के लिए उपयोगी बात है। तो इसी बात को समझते हुए हमको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2019 में। उससे पहले ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस के द्वारा धरती पुत्र का अवार्ड दिया गया और उससे पहले आदरणीय मोदी जी द्वारा जब मुख्यमंत्री थे गुजरात सरकार में, तो उन्होंने प्रगतिशील किसान का पुरस्कार दिया। और इसी सिलसिले में 2019 में ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हमको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि और उसके साथ साथ फार्मर प्रोफेसर की भी डिग्री प्रदान की। इससे क्या हुआ कि इससे जिम्मेदारी और बढ़ती गई और हम लोग अपनी वचनबद्धता के साथ किसानों के साथ जुट गए। इस आधार पर हम प्रति माह किसानों को 200, 300, 400 से लेकर 1000 तक किसान, लॉकडाउन से पहले तो स्थिति हजारों की रही और अभी भी 200, 300 किसान हमारे परिवार में आते हैं। हम उन किसानों को जड़ी बूटियों की खेती, दाल की खेती, गन्ने की खेती, अनाज की खेती, अनाज में भी ऐसे अनाज जो मोटे अनाज हैं आजकल, जैसे चिया सीड है, किनवा है और जिनसे अच्छी पैदावार कमाई जा सकती है, अलसी है, अलसी की आजकल वो लिनसीड के नाम से अल्फा ऑयल के रूप में काफ़ी उसकी खपत बढ़ गई है। तो उन सब चीज़ों को चुन चुन कर किसानों के लिए उपयोग में लाने का और प्रयोग में लाने का कार्य कर रहे हैं ताकि किसान उसको देखें, समझें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। बाबूजी, एक हमारा सवाल ये है कि कृषि बिल को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली घेरे हुए हैं और कई दिन हो गए हैं, आपकी क्या राय है? किसान जो बिल वापस करने की मांग कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है, क्या राय है आपकी? देखिए, कृषि बिलों में जो संशोधन है वो खेती की दुर्गति को ही ठीक करने के लिए हुआ और किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हैं वो भी बिना पीड़ा के नहीं बैठे, क्योंकि जो खेती वो कर रहे हैं उस खेती में गेहूं और धान की खेती और उसका भी सीधा सीधा बाजार में खरीद और MSP से नीचे पूरी लूट के कारण किसान पीड़ा में है। सरकार ने बदलाव भी इसीलिए किए थे कि मंडी भी बनी रहे, MSP भी बना रहे और उसके समानांतर कोई विकल्प ऐसा दिया जाए जिसमें किसान सहकारिता के आधार पर उत्पादन को भी समझें, उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग को भी समझें और बाजार तक का रास्ता खुले। इसके बीच में कॉरपोरेट को भी इसमें जगह देने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं तो किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि जितनी ऊर्जा हमारी आंदोलन में
लग रही है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सरकार के साथ बैठकर चिंतनशील लोगों को साथ साथ बैठाएं और पॉलिसी और न्याय के मुद्दे पर गहरी चर्चा करें, ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम कृषि नीतियों को किस ढंग से आकार दें। दूसरी बात ये भी करें कि हम उसी ताकत को ग्रामीण स्तर पर भी झोंक दें और सहकारिता के आधार पर अपने ही अपना ही तंत्र खड़ा करें। चूंकि भारत सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट को इसीलिए किसानों के लिए खोला है ताकि किसान भी समानांतर कंपनियों के रूप में खड़े हो सके। अब लोगों को सवाल उठता है कि छोटी कंपनियां कैसे खड़ी होंगी, इसलिए मेरा निवेदन यह है, मैं भी एक किसान हूँ और बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, 6-7 एकड़ ज़मीन मेरे पास है और उससे जो मैं काम करता हूँ वो बहुत ही सम्मानजनक काम है, जिनके आधार पर ही पूरे देश में एक पहचान भी है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हर किसान इस काम को कर सकता है, अकेला नहीं कर सकता तो मिलकर कर सकता है। अब खेती में बदलाव के लिए हमको बिलों में बदलाव के लिए जिद करने से ज़्यादा अपनी मानसिकता में ही परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ताकि हम कृषि का भी व्यवसायीकरण कर सकें। चूँकि हम तो अब तक केवल उत्पादक बनकर जी रहे हैं तो व्यवसायी क्यों ना बने, ये एक मुद्दा है। आपको नहीं लगता बिल ठीक आया है, सरकार जो बिल लाई है ठीक है? देखिए, मेरी राय में बिल बिल्कुल ठीक है, उसमें संरक्षण के और न्याय के कुछ मुद्दे हो सकते हैं कि जो आने वाले समय में किसानों के लिए कोई तकलीफ दें, तो उस पर भी बराबर विचार चल रहा है, बार बार विचार चल रहा है। वो सब वही मुद्दे हैं कि यदि MSP है तो MSP को संरक्षण कैसे प्राप्त हो, यदि मंडियाँ बनी रहेंगी तो उनके समानांतर मंडियों में संघर्ष ना हो जाए, और यदि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट को देखते हैं तो उसमें कोई भी जो जो भंडारण है वो कहीं ना कहीं जमाखोरी में ना चला जाए, किसी उपभोक्ता का या उत्पादक का शोषण ना हो जाए, ये सारी अव्यवस्थाएं ना हो जाए, इसके लिए बार बार बिल में परिवर्तन होते भी रहे हैं और बिल में संशोधन की तो आवश्यकता है, लेकिन बिलों को वापस कर लिया जाए, ये जो इस तरीके का विरोध और जिद चल रही है ये ठीक नहीं है। ठीक है।